से गुनगुनाया है तो मैं समझता हूं कि सीकर से और जम्मू वालों का बड़ा गूढ़ा रिश्ता है। श्याम खाटू जी का जब भी जिक्र चले तो इनका मुख का दर्शन जो राजस्थान में है और दर जो है वह कामेश्वर मंदिर अखनूर में है। मैंने निवेदन किया है अभी जी से कि आपने बहुत अच्छा लिखा भी है, आप ही लिखने वाले, आप ही गाने वाले, राजेश जी का स्टूडियो था और इसको आप जम्मू के साथ जोड़ के ताकि जो रिलीजियस टूरिज्म जो हमारा है उसको बढ़ावा देने के लिए कि लाखों लोग श्याम खाटू के दर्शन करने राजस्थान जाते हैं और वह जब धर का दर्शन करना चाहें वह जम्मू में आए। ये प्रयास जो है अभिषेक जी से बड़ी ही तवक्को है हमें पूरे संत समाज को भी कि ऐसा भजन लिखे गाए और ये घर घर तक जाए। दूसरा साहिल जी बहुत अच्छी पहल करते हैं, आज भी इन्होंने जो किया मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे साथ संत समाज न्यास के महामंत्री मोहन भारती जी हैं, श्री बृंदर साबरिया जी जो बहुत अच्छे भागवत करे कथा करते हैं और मैंने इनको भी कहा कि आप चलो ताकि जहां इनका भागवत हो वहां ये भी गुनगुनाया जाए ताकि लोग सुने। और दूसरा आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महकमा टूरिज्म और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी से कि महाराज श्याम खाटू को लाखों लोग जो जुड़े हैं श्यामा श्याम लखदातार क्या बात है इनकी कि जो भगवान कृष्ण कहते हैं जगत गुरु ब्राह्मण ब्राह्मण गुरु सन्यासी सन्यासी गुरु अविनाशी और अविनाशी गुरु कहीं में कहते ब्रजवासी जिसको शंकर भी दर्शन करने गए तो अपना नाम ठाकुर जी ने उनको दे दिया कि मैं आपको श्याम खाटू के नाम से लोग आपको जानेंगे श्यामा श्याम से नाम से जानेंगे। आप लोग सभी आए मैं भगवान खाटू जी से यही कहूंगा कि अभिषेक इसी तरह लिखता रहे और टी सीरीज के ऊपर जो भजन आ रहा है अब सारे लोग हम इसको इतना फैला दें ताकि जम्मू के अंदर ऐसा होनहार कलाकार जिसकी कला का प्रदर्शन हर घर में हो हर मोबाइल में हो। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्यामा श्याम की, बोलो खाटू नरेश की। साहिल जी क्या कहना चाहेंगे कि आप हमेशा ऐसे कलाकारों को मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
सर, सबसे पहले आज मंच साहब जी का धन्यवाद करूंगा और मंच साहब जी ऐसे शख्स हैं कि जम्मू के आर्टिस्ट को, जम्मू की जनता को हमेशा सपोर्ट करते हैं। और आज अभिषेक अभी जी ने एक भजन निकाला है दत्ता जी का, जो खाटू वाले शाम का बहुत ही ज्यादा हिंदुस्तान में प्रचार हो रहा है। और जैसे उन्होंने बताया अखनूर में इनका भी एक स्थान है, ऐसे अखनूर और राजस्थान को जोड़ के एक भजन बनाया जाए। बहुत ही जल्दी अभिषेक अभी जी खुद लिखते हैं और खुद ही गाते हैं, तो आज ये भजन रिलीज हुआ है तीसरी कंपनी पे, जो आज हमारा पहला भजन ये खाटू वाले शाम, जम्मू का पहला सिंगर जिन्हें दूसरा भजन निकाला है, तो आज जो पहला भजन है तीसरी कंपनी पे रिलीज हुआ है। बस यही कहना चाहता हूँ कि अभिषेक अभी और जम्मू के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सबका ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में देखिए यात्रा शुरू हो रही है भोलेनाथ बाबा जी की। भाई यात्रा शुरू हो रही है, भोले बाबा यात्रा पे भी हम भजन निकाल रहे हैं अमरनाथ का, उसके बाद चंडी माता की यात्रा होगी उस पर भी भजन निकाल रहे हैं, अलग अलग भजन आ रहे हैं। और बस धन्यवाद करूंगा मैं मंच साहब जी का। आने वाले टाइम में जो है भगवान शिव शंकर जी के, बाबा बालकनाथ जी के, चंडी माता के, मिंदल माता के, खाटू नरेश जी के और समस्त प्रोजेक्ट हैं, काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वन बाय वन जो है हम आप सबके सामने लाएंगे। टी सीरीज के माध्यम से लाएंगे, कुछ माँ बाबा वाले रिकॉर्ड्स के माध्यम से लाएंगे, कुछ माँ कांगड़े वाले रिकॉर्ड्स के माध्यम से आपके सामने जो है लाएंगे। और मैं यही कहूँगा कि शाम प्यारे जो हमारे खाटू नरेश जी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने इनको अपना नाम दिया है, क्योंकि इन्होंने अपना शीश का दान जो था वो भगवान श्री कृष्ण को दिया था, तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना जो खुद का नाम है शाम वो दे दिया। और ये कहा कि जिसकी किस्मत में दुख मैंने लिख दिया, अगर वो तेरी चौखट पे आ गया तो मेरा लिखा हुआ भी वहां पे चेंज हो जाएगा। बोलिए खाटू नरेश की।